तो दोस्तों एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की घोषणा की जा चुकी है, यानी उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती की घोषणा की जा चुकी है। शासन की तरफ से इसकी आधिकारिक घोषणा की जा चुकी है। यूपीएससी के माध्यम से ये वैकेंसी होगी। बात कर लेते हैं इसकी, मतलब कि पदों की संख्या कितनी रहेगी, विज्ञापन कब तक आएगा, सारी जानकारी देख लेते हैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी जरूर देखें। ये दोस्तों गवर्नमेंट अब यूपी की तरफ जाएगा, युवाओं को दृढ़ बनाने हेतु राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षक के 8166 रिक्त पदों के लिए भर्ती होगी। यहाँ पर यह स्पष्ट हो जा रहा है कि लगभग पदों की संख्या कितनी रहेगी, तो 8166 पद रहेगी, यानी 8166 पदों पर वैकेंसी होने वाली है। यानी नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 8166 पदों पर आने वाली, लगभग 8000 पदों पर वैकेंसी होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, मतलब कि जो भर्ती होगी किसके आधार पर कौन कराएगा वैकेंसी, तो यहाँ पर बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लिखित परीक्षा के माध्यम से करेगा चयन। यानी यहाँ पर स्पष्ट हो जा रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के माध्यम से वैकेंसी होगी, और मतलब लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा। यानी जो पिछली वैकेंसी आई थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में आई थी, मतलब उसमें भी लिखित परीक्षा के आधार पर चयन हुआ था, तो यहाँ पर भी लिखित परीक्षा के आधार पर ही चयन होगा। यानी जो वैकेंसी नहीं आएगी शिक्षक, मतलब कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, तो यहाँ पर भी लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन होगा। अगर बात कर ले इसके, मतलब कि विज्ञापन कब तक आएगा, तो विज्ञापन जो है इसका 2021 में फरवरी के बाद आने की संभावना, क्योंकि जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती चल रही है लगभग वो फरवरी तक पूर्ण हो जाएगी, जो पिछली वैकेंसी चल रही है, और उससे पूर्ण होने के बाद ये मतलब कि नई भर्ती आएगी 2021 में फरवरी में आने की बात कही जा रही थी यहाँ पर, तो फरवरी 21 में आने की संभावना है। तो दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिनसा टेक।